अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं उज़्मा खान रूमी और मेरे साथ मौजूद नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब, आज मैं बड़ी मुश्किल में हूं। क्यों? बस मुझे लग रहा है कि आज पता नहीं मैं प्रोग्राम कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। बड़े ख़तरनाक किस्म के इश्यूज हैं और मुझे ये है कि हम वो अगर कर भी लेते हैं डिस्कस, हम डिस्कस भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो क्या हम वो चला पाएंगे? बहुत बड़े बड़े ख़तरनाक किस्म के इश्यूज आ रहे हैं। या उसमें देखो, मेरी बात सुनो, मैं देख रहा था बाकी प्रोग्राम भी, लोग तो खुल के बात कर रहे हैं जिस हद तक खुल के बात हो सकती है। कोई इसमें कोई छुपी हुई बात तो है नहीं, कौन क्या चाहता है, नून लीग क्या चाहती है, इमरान खान क्या चाहता है, फ़ौज के अंदर किस किस्म की राय पाई जाती है, आर्मी चीफ़ के बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो बहुत सी बातें चल रही हैं और डिस्कस हो रहा है। तो मेरा ख्याल है तरीके के साथ ये डिस्कशन हो सकती है। हम किसी के हक़ में या किसी के ख़िलाफ़ तो है नहीं, हमारे अपना कोई एंगल तो है नहीं, हमने तो रिपोर्टिंग करनी है और उसका तजिया करना है। तो आई थिंक यू शुड फील फ्री टू आस्क, अगर कोई ऐसी चीज़ हुई तो मैं खुद ही ख्याल कर लूँगा। अच्छा चलें, मैं कोशिश करती हूँ, कहीं से तो शुरू करना ही है। देखिए सेठी साहब, मसले हैं दो डिस्कस करने वाले। एक तो सबसे बड़ा इशू जिसके गिर्द ये सारी चीज़ें घूम रही हैं, नए आर्मी चीफ की जो तैनाती वाला मामला है, कौन सा नाम सामने आ रहा है, समरी अभी तक क्यों नहीं आई है, और उसमें समरी में नाम कौन कौन से आ रहे हैं, कौन कौन से आएंगे, किस किस को निकाला जाएगा, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, इसी से मैं स्टार्ट लूँगी, लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि इस किस्म की ये बातें भी चल रही हैं, फिर एक साजिश कहीं चल रही है, दूसरी साजिश कहीं चल रही है, लंदन में कुछ चल रहा है, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ जो है वो बड़ी ख़बरें निकल रही हैं। तो ये गेम क्या प्लान हो रही है, ये सारी समरी है इसके पीछे, और समरी अभी तक क्यों नहीं आई है, इस पर वन बाय वन मैं डिस्कस करना चाहूँगी। चलें फिर बिस्मिल्लाह करें, कहाँ से शुरू करें फिर? ये बताएं कि समरी अभी तक क्यों नहीं आई। अच्छा, क्यों इतना डिले हो रहा है? ओके, देखिए तीन चार दिन पहले मेरे ख्याल जुमे के रोज़ किसी एक प्रोग्राम में मुझे पूछा गया कि समरी देर क्यों हो गई, तो मैंने हंस के कहा, मैंने कहा समरी तो आ गई है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उसमें क्या है? तो मैंने फिर कुछ तबसरा किया। अब बात यह है कि समरी के लिए ख़त तो लिख दिया गया था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री को ये कहा गया कि आप समरी बना के भेजें। उन्होंने आगे जीएचक्यू को कहा कि आप नाम भेजें फिर, ताकि हम आगे प्राइम मिनिस्टर साहब को समरी भेजते हैं, मगर जीएचक्यू से अभी तक समरी नहीं आई। मैंने जो तबसरा किया था, मेरा मौक़िफ ये था कि गवर्नमेंट की तरफ से तो बड़ा क्लियर है कि समरी के अंदर क्या होना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट आइन के मुताबिक चलती है तो वही होगा जो गवर्नमेंट चाहेगी। तो ये तो उस सिलसिले में मेरा तो एक आइनी पोजीशन थी कि समरी का इशू क्या है, समरी तो भेजें डिफेंस मिनिस्ट्री को, जो पांच छह नाम जो हैं जो भी हैं वो सब भेज दें, फिर डिफेंस मिनिस्ट्री फैसला करेगी। यहाँ तक ये भी हुआ है तारीख में कि डिफेंस मिनिस्ट्री जीएचक्यू ने पाँच नाम भेजे हैं, छः नाम भेजे हैं, तीन नाम भेजे हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिफेंस सेक्रेटरी को कहा इसमें फलाना नाम भी ऐड कर दें, फलाना भी कर दें, या समरी गई डिफेंस मिनिस्ट्री के पास जीएचक्यू की तरफ से गई, उन्होंने आगे कर दी, प्राइम मिनिस्टर ने वापस कर दी, कहा जी फलाने का नाम भी डाल दें, फलाने का नाम भी डाल दें, आठवें नंबर से भी ज़ियाउल हक साहब ने आर्मी चीफ बन गए थे, एंड सो ऑन। और तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, और डी जी आई एस आई का भी ऐसे होता है कि एक लिस्ट जाती है उसमें से प्राइम मिनिस्टर एक चीज़ सेलेक्ट करते हैं। तीन नवाज शरीफ साहब ने जनरल जावेद नासर को 1993 में डी जी आई एस आई बना दिया, हालांकि उनका नाम ही नहीं था लिस्ट के अंदर। तो ये तो आइनी तौर पे तो समझे ये समरी की कोई हैसियत नहीं है, तो इसलिए मैंने ये कहा था समरी तो है, उसका क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, तो अब बात ये है कि मगर प्रॉब्लम बन चुका है, ये इशू है कि डिफेंस सेक्रेटरी के पास अभी तक जी एस यू ने समरी नहीं भेजी। आज ये ख्वाजा आसिफ साहब ने ये क्लियर कर दिया कि समरी आएगी फ्रॉम जी एच क्यू, और जी एच क्यू से आगे फिर हमारे पास आएगी, फिर हम दो तीन दिन और दो तीन दिन में ये हो जाएगा। अब सिचुएशन ये बनी हुई है, और ये बाय द वे आम तौर पे ये डिस्कस हो रहा है कि समरी के अंदर नाम पांच कौन से होंगे, पांच ही होंगे या तीन, पांच तीन चार जो भी वो जी एच क्यू चाहे। तारीख में तो यही है कि पांच नाम चले जाते हैं सीनियर मोस्ट। अच्छा, अब बात यह है कि एक इशू बना हुआ है सीनियरिटी का। कुछ लोग कहते हैं कि 29 तारीख जिस दिन को जनरल बाजवा ने रिटायर करना है, उस दिन जो पांच टॉप सीनियर मोस्ट होते हैं बाजवा साहब के पीछे,
उनके नाम आते हैं। मगर अगर ये मौकफ लिया जाए तो जनरल आसिम मुनीर 27 तारीख को रिटायर कर रहे हैं तो फिर उनका नाम समरी में नहीं आएगा। अगर 29 तारीख को सीनियोरिटी की लिस्ट लेनी है तो उनका नाम नहीं आएगा। अगर आज सीनियोरिटी की लिस्ट लेनी है तो आज उनका नाम आ जाएगा, क्योंकि 27 तारीख तक तो वो सीनियर मोस्ट है। तो एक तो ये इशू बना हुआ है कि अगर आज समरी आती है तो उसके अंदर आसिम मुनीर का नाम नहीं होता, जो कि 27 को जिन्होंने रिटायर करना है, तो क्या अभी फैसला आती है और स्ट्रेट अवे फैसला हो जाता है कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ डेजिग्नेट हैं, तो फिर क्या होगा? फिर ही बिकम्स आर्मी चीफ डेजिग्नेट, हालांकि वो 27 को रिटायर कर रहे हैं, जनरल बाजवा 29 को कर रहे हैं। ये भी इशू है। इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं, इसमें कुछ तारीख के हवाले से भी कुछ मसले हैं। इमरान खान साहब नहीं चाहते कि आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने, उसकी एक तारीख हिस्ट्री है। इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर को निकाला था फ्रॉम DGISI, जिसके ऊपर इतना बड़ा बाद में झगड़ा पड़ा, आपको पता ही है कि, और क्योंकि उन्होंने फाइलें जाके दिखा दी थी कि जी आपके खानदान में ये करप्शन हो रही है, तो जो अभी कुछ दिन पहले जिक्र भी हो रहा था, जिक्र भी हो रहा था। तो एक तो ये कि खान साहब नहीं चाहते, और खान साहब के जो साथी हैं या दोस्त हैं या हमायती हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, शायद वो भी नहीं चाहेंगे। फिर वो लोग भी हैं जो समझते हैं कि जनरल आसिफ बहुत ही सीनियर मोस्ट और बहुत अहम और बहुत प्रॉपर उनका कैरेक्टर जो है और जो काबिलियत है उनको होना चाहिए, और 27 इज नाइट 2 डेज बिफोर दैट, और उससे पहले भी बहुत से रास्ते निकलते हैं किसी को प्रमोट करने के लिए, किसी को बाईपास करने के लिए, एंड सो ऑन। तो क्या कोई खास टाइम फ्रेम होता है जिसमें के अंदर समरी भेजनी होती है? क्योंकि इस तरह से तो अगर एक शख्स जो है, एक जनरल जो है वो 18 को रिटायर हो रहे हैं तो दूसरे 27 को हो रहे हैं, और नॉमिनेट करना है 29 को, तो अगर दो तीन बीच में ही हो रहे हैं तो फिर क्या सूरत हाल? नहीं, देखिए टाइम फ्रेम आप बात की ना आपने, जनरल आसिफ नवाज को 3 से 4 माह पहले उनको आर्मी चीफ डेजिग्नेट बना दिया था। समरी चली गई, अप्रूव हो गई, उनका जी कि जनरल बेज जब रिटायर करेंगे तो जनरल आसिफ नवाज बनेंगे। ये बहुत से लोगों को तारीख का नहीं पता, तो वो तो कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। तो जब गवर्नमेंट कहे, ख़त लिखे, डिफेंस मिनिस्ट्री GHQ को ख़त लिखे कि हम चाहते हैं कि आप भेज दें नाम, और हम उसमें से एक सिलेक्ट करके आर्मी चीफ डेजिग्नेट लगा देते हैं या आर्मी चीफ लगा देते हैं, तो वो तो मिनिस्ट्री पे डिपेंड करता है। ठीक, डिफेंस मिनिस्ट्री डिपेंड करती है ऑन प्राइम मिनिस्टर, तो कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। तो उस वक्त के मगर तारीख में ये हुआ कि 2-3 माह पहले एक आध दफ़ा हुआ है, मगर आमतौर पर आखिरी स्टेजेस में ही ये होता है। अब 1-2 दिन पहले, दूसरे चीफ के रिटायरमेंट से पहले ही अनाउंस होता है, समरी मंगवा ली जाती है। ये बड़ी अनयूजुअल सिचुएशन है कि एक जनरल जो कि 2 दिन पहले रिटायर हो रहे हैं फ्रॉम उस डेट से जिस डेट से जनरल बाजवा रिटायर हो रहे हैं, ऐसी कम ही सिचुएशंस हुई हैं। 1 महीना पहले वो रिटायर हो गए, 2 महीने पहले रिटायर हो गए, तो और बात। मगर फिर ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है और इस्तेमाल की गई है कि किसी को पीछे से उठा के आगे लाना, किसी को एक्सटेंशन देना, किसी को रिटेन करना, किसी को प्रमोट करना। एग्जांपल्स दे देता हूँ, तो ये नहीं कहा जा सकता कि एक ही तरीका है और एक ही रास्ता है। जनरल पाशा DGISI थे, उनको 1 साल की एक्सटेंशन मिल गई थी और वो आर्मी चीफ ने दे दी थी और प्राइम मिनिस्टर ने ओके कर दिया था, तो वो भी होता है। जनरल कयानी, उनको वाइस चीफ बना के 4 स्टार लगा दिए गए, वो रिटायर होने वाले थे, उनको 4 स्टार लगा दिए गए और कुछ माह वो रहे वाइस चीफ, और उसके बाद जाके जनरल मुशर्रफ ने उनको आर्मी चीफ बनाया। तो ये भी होता है। तो प्रमोशंस तो लेफ्टिनेंट जनरल्स की भी हो जाती हैं, एक्सटेंशन भी हो जाती हैं, तो आर्मी चीफ की भी हमने देख लिया। हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने, सॉरी इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन दी ना कि नहीं दी जी। ये पहले तो ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की कभी बात ही नहीं हुई थी, जब हुई थी तो उसमें कोई इशू नहीं था। गिलानी साहब ने जनरल कियानी को एक्सटेंशन दी थी, पार्लियामेंट में ये मामला आता ही नहीं था, आता ही नहीं था, हो जाता था। अब इस दफ़ा एक कानून बदलना पड़ा क्योंकि कुछ इश्यूज़ बन गए, अदालत ने कहा जी कानून बदलें, क्लियर करें इस बात को, तो इसलिए फिर और उसमें फिर आपने देखा पीपल्स पार्टी ने भी, नून लीग ने भी और PTI ने, तीनों ने मिलकर कानून बदल दिया।
तो उस वक्त किसी ने ये नहीं कहा कि जी अब ये घर जाएं और जो सीनियर मोस्ट है उसको बना दिया जाए। तो आज ये बात शुरू हो गई है जी सीनियर मोस्ट को बनाया जाए, सीनियर मोस्ट को बनाया जाए। तो इसके पीछे भी कोई सियासत है। हमेशा हर चीज़ के पीछे इस किस्म की जब तब्दीली होती है या हसब मामूल के हट के कुछ चीज़ होती है तो उसके अंदर या GHQ में कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं या सियासी जमातों में कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं। इमरान खान ने भी ये किया है। ठीक, तो अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त ये वाज़े हो गया है कि जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब नहीं पसंद करते। और उसके बाद फिर दो बातें निकली कि आप मेरिट पे करेंगे या आप सीनियोरिटी पे करेंगे। खान साहब का पहले मौक़फ़ ये था कि आप मेरिट पे करेंगे और ये भी था कि जब मैं आऊँगा तो मैं करूँगा, और यहाँ तक कि जनरल बाजवा को 6 माह के लिए और एक्सटेंशन दे दें। तो उस वक्त कोई तकलीफ़ नहीं हुई। एक तरफ गाली मिल रही थी जनरल बाजवा को, इनके लोग दे रहे थे और खान साहब खुद दे रहे थे, दूसरी तरफ अपनी सियासत को चमकाने के लिए ये भी कह दिया कि जी इनको 6 महीने के लिए एक्सटेंशन दे दें, गवर्नमेंट की छुट्टी कराएं, केयर टेकर्स आ जाएं, इलेक्शन हो जाए, मैं इलेक्शन जीत जाऊं, मैं फिर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करूंगा और इनको आप एक्सटेंशन दे दें। तो खान साहब ने भी तो हर किस्म की यू टर्न्स ली हैं। तो इसमें यह नहीं कहा जा सकता, एक दफ़ा वो उस वक्त वो कहते थे मेरिट पर होना चाहिए, अब ये कहते हैं सीनियॉरिटी पर। तो ये देखना ये है दो बातें कि खान साहब ने अब सीनियॉरिटी की तरफ क्यों आ गए, एक, और ये जो 26 तारीख की जो उन्होंने अनाउंस किया कि 26 को आप पहुँचें, पिंडी पहुँचें, तो इसका पिंडी में 26 को पहुंचना और ये कहना कि सीनियोरिटी, इसके पीछे खान साहब का क्या सोच है और क्या चाहते हैं। दूसरी तरफ आपका सवाल कि अभी तक समरी क्यों नहीं आई, तो अब जो तबसरे हो रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि समरी की वजह से क्या प्रॉब्लम क्या बनी हुई है। प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि अगर समरी आती है GHQ से एक नोटिफिकेशन, एक लेटर जाता है, एक फाइल जाती है कि जी ये आगे प्राइम मिनिस्टर साहब को आप पेश करें, उसके अंदर आसिम मुनीर का नाम ही नहीं होता। अगर उसके अंदर बाकी 5 जर्नैलों के नाम होते हैं और आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं होता तो उससे ये लगेगा कि GHQ में ये फैसला किया है कि आसिम मुनीर साहब 27 को रिटायर हो रहे हैं और हम रिटायरमेंट सीनियॉरिटी का जो इशू है उसको 29 से गिनेंगे, 29 को जो लोग सीनियर होंगे। तो इसका ये मतलब है, उनका ये फैसला है GHQ का कि हमने आसिम मुनीर का नाम नहीं डाला क्योंकि हमारे मुताबिक वो 27 को रिटायर कर रहे हैं, 29 तक वो सीनियर नहीं होंगे। 29 को जनरल सायर शमशाद, जनरल अजहर अब्बास, ठीक, उसके बाद जनरल नुमान, उसके बाद जनरल फैज़ और उसके बाद जनरल आमिर, ये 5 नाम आएंगे। और अगर वो आसिम मुनीर का नाम डाल देते हैं तो फिर उनका ये समझा ये जाएगा कि मौक़फ़ GHQ का ये मौक़फ़ है कि वो आज से आप सीनियॉरिटी ले लें और आज जो हैं जनरल आसिम सीनियर हैं। और इसका ये मतलब है कि वो बाकी 4 तो वही रहेंगे, जनरल आमिर का नाम निकल जाएगा और जनरल आसिम का नाम ऊपर आ जाएगा। तो अब अटका मामला यहाँ अटका हुआ है। गवर्नमेंट ये कह रही है GHQ को कि हमने फैसला कर लिया है कि हमने जनरल आसिम को लगाना है, हमारे हिसाब से वो सीनियर मोस्ट हैं और हमारा हक है कि हम जिसको मर्जी लगाएं। खान साहब का भी हक था ना एक्सटेंशन देना, DGISI को निकालना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, हमारा भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। तो आप मेहरबानी करके 5 नाम भेजें जो हम आपको कह रहे हैं, 5 नाम जिसमें आसिम मुनीर साहब का नाम टॉप के टॉप पे हो। अब वहाँ से आ नहीं रही, ये हो नहीं रहा है। अब इसमें वजह ये है कि क्यों नहीं हो रहा, एक। दूसरा ये है कि अगर वो नहीं करते किसी वजह से, कि देखिए ना, अगर आसिम मुनीर साहब का नाम निकल जाता है तो जनरल सायर आगे आ जाते हैं, जनरल अजहर आ जाते हैं, तो फिर एक बन जाएगा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, एक बन जाएगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी। जनरल सायर और जनरल अजहर टॉप क्लास जनरल्स हैं, इसमें कोई वो इस साजिश का हिस्सा नहीं है, मगर बाकी लोग तो हैं ना, वो तो बना रहे हैं अपनी तरफ से। अच्छा, आगे आइए आप कि फिर होगा क्या। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जी बस समरी कल या परसों आ जाएगी और हम अनाउंस कर देंगे जो मेरा आप तक, ठीक। मगर इसके साथ साथ तो और भी बहुत कुछ हो रहा है। अगर मैंने कहा कि अगर आसिम मुनीर का नाम नहीं आता तो इससे फिर क्या सोचा जाए, ये सोचा जाए कि GHQ में ये फैसला हो गया है, जो लोग GHQ में बैठे हैं इस वक्त, GHQ में जनरल अजहर चला रहे हैं GHQ को, इस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, और जनरल सायर जो है कोर कमांडर पिंडी है और 111 ब्रिगेड भी उनके अंडर है, एंड सो दीज आर द 2 मोस्ट पावरफुल पीपल आफ्टर जनरल बाजवा। जनरल आसिम मुनीर तो क्वार्टर मास्टर वहाँ उनको पार्क किया हुआ। तो
अब सिचुएशन बड़ी नाजुक कि क्या करेंगे, GSQ क्या करेगा, जनरल बाजवा, बेसिकली जनरल बाजवा क्या चाहेंगे, और जो जनरल बाजवा चाहेंगे वही होगा। वो आर्मी के अंदर बड़ा सख्त डिसिप्लिन है। अगर जनरल बाजवा चाहेंगे कि जनरल आसिम मुनीर डाल दिया जाए तो नाम डाल दिया जाएगा, अगर वो चाहेंगे कि ना नाम डाला जाए तो नहीं डाला जाएगा। तो अब बात यह है कि इसके ऊपर मैं और बात करना चाहूँगा कि जनरल बाजवा के लिए ऑप्शंस क्या हैं और गवर्नमेंट के लिए ऑप्शंस क्या हैं। तो मेरा ख्याल है ये ब्रेक ले लें, ब्रेक में लेना चाहूँगी और इसके फिर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद सेठी साहब, बाजवा साहब के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं और हुकूमत के पास क्या क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए, बाजवा साहब के पास दो ऑप्शंस हैं, दो चॉइसेस हैं। एक उन्होंने कर दी, एक ये कि वो आसिम मुनीर साहब का नाम ना डालें और 5 भेज दें, बात ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद गवर्नमेंट गेंद, जिसे कहते हैं ना, वो बाजवा साहब के गोल पोस्ट से हट के गवर्नमेंट के गोल पोस्ट में आ गया। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? दूसरा ये है कि बाजवा साहब जो हैं वो आसिम मुनीर का नाम डाल दें, मगर नाम डालने से पहले कुछ करना पड़ेगा ना, सीनियोरिटी बनानी पड़ेगी ना। ये काफ़ी नहीं होगा कि नाम डाल दिया, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि कोई कह ना सके कि सीनियोरिटी नहीं थी तो आपने कैसे नाम डाल दिया। बिकॉज वो तो एस्टैब्लिश रूल है कि जो 29 तरीक को जो सीनियर होगा वही सीनियोरिटी की लिस्ट में आएगा। तो फिर बाजवा साहब को, आसिम मुनीर को सपोर्ट करने के लिए बाजवा साहब को, आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन देनी पड़ेगी, जैसे जनरल कियानी ने जनरल पाशा को दी थी और जैसे जनरल मुशर्रफ ने जनरल कियानी को दी थी। तो जनरल बाजवा को, जनरल आसिम को एक्सटेंशन देनी पड़ेगी, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, या वो कहेंगे हुकूमत को कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप अगर कुछ करना चाहें तो कर लें। तो फिर गवर्नमेंट को जनरल आसिम मुनीर को प्रमोट करना पड़ेगा 2 or 4 star जनरल, कि जी हम आपको वाइस चीफ बना रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट फौरन एक नोटिफिकेशन के ज़रिए 15 मिनट के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी कर सकती हैं कि हमने जनरल आसिम मुनीर को वाइस चीफ बना दिया। जैसे ही वो वाइस चीफ बनते हैं तो उनको फिर 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाती है। अच्छा सेठी साहब, मेरा एक सवाल है। एक सेकंड जी। तो फिर ये 27 और 29 वाली बात इररेलेवेंट हो जाती है। और अगर जनरल बाजवा आपके साथ हैं, इत्तफाक है, तो ये बहुत आसानी के साथ कंट्रोवर्सी के बगैर ही हो जाएगा कि जनरल बाजवा ही फाइल मूव कर देंगे कि जी इनको आप प्रमोट कर दें 2, 3, 4 star, तो फिर मसला हल। मगर अगर वो नहीं करते तो गवर्नमेंट करती है, तो फिर खान साहब के हाथ में गेंद आ जाएगा कि गवर्नमेंट ने एक गैर मामूली हरकत की है जिससे उनके सियासी मकासद नज़र आते हैं, जिसका जवाब गवर्नमेंट ये देगी कि आपने भी तो यही किया था ना, जब DGISI को निकाला था, या जब आसिम को जब निकाला था आपने ज़्यादती की थी, इसी तरीके के साथ जब आपने एक्सटेंशन जनरल बाजवा को दी थी, या अब जब आप बात कर रहे थे कि उनको 6 माह की भी एक्सटेंशन दे दें, तो आप भी तो सियासी बातें कर रहे थे ना, तो इसमें क्या हर्ज है? अगर आइनी तौर पर कुछ हो जाए तो सियासी हो या ना हो, वो तो हक होता है हुकूमत का आइन के मुताबिक करना। तो ये फिर तू तू मह में शुरू हो जाएगी। मगर ये कानूनी तौर पर ये हो सकता है कि जनरल आसिम को आप 4 star लगा दें, जिसके साथ वो ही इज़ एलिजिबल टू बिकम दी आर्मी चीफ। तो एक तो ये रास्ता है कि या तो जनरल बाजवा इसको सपोर्ट करें इस रास्ते को, अगर वो नहीं करते तो गवर्नमेंट खुद कर सकती है। तो अगर कल समरी आती है और उसके अंदर उनका नाम नहीं होता और गवर्नमेंट ये फैसला कर चुकी है हमने करना ही करना है, तो वो फिर नोटिफिकेशन देंगे, सीने को कर देंगे। यानी कि अगर समरी में नाम नहीं भी आता जनरल आसिम मुनीर का, और जो वज़ीर आज़म है वो उनको चीफ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा देते हैं, तो भी सूरत हाल जो है वो, तो वो स्ट्रेट अवे वापस जाएगी। अच्छा जी, अब फिर नई समरी बना के भेजें अकॉर्डिंग टू न्यू सीनियरिटी, फिर यू डोंट हैव अ चॉइस। तो देखिए, इस वक्त जी मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ये जो समरी अभी तक नहीं आई उस तरीके की जिस तरीके की गवर्नमेंट चाहती आए, तो फिर रास्ते आगे भी हैं। मगर जो भी रास्ता इख्तियार करेंगे, खान साहब बैठे हुए हैं 26 तारीख लेके जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ खान साहब का 26 तारीख का जो मौक़िफ़ है बड़ा अहम है। आज होगी 21, ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि 23-24 तारीख तक आ जाएगी। अगर 23-24 को वो आती है और उसके अंदर नाम नहीं होता, तो फिर एक दिन है ना जिसके अंदर इन्होंने उनको 4 star बनाना है, और फिर उसके बाद खान साहब बैठे हैं वहाँ,
धंधलाने के लिए, ठीक। ये धमकी है खान साहब की कि अगर तुमने ये काम किया तो मैं फिर पिंडी का घेराव करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं गन डालूंगा। तो एक तरफ ये थ्रेट है। ठीक, तो क्या इमरान खान इस पोजीशन में है कि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं ऐसे में कि जब हमने लॉन्ग मार्च की सारी सूरत हाल देखी? नहीं, वो अब सूरत वो तो अब देखिए ना, 26 तारीख जो उन्होंने कहा है, अगर तो वो कहते 24 तारीख और उससे पहले ये शोर शराबा कर देते। अब मेरा ख्याल है उनको कुछ इतला है, अंदर से कुछ इतला है, क्योंकि उनके दोस्त यार तो वहाँ भी बैठे हैं ना, कोर कमांडर से मीटिंग के अंदर भी होते हैं, इधर भी होते हैं, उधर भी होते, सारी खबरें तो उनको मिल रही हैं, और सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पिंडी में भी। तो सेठी साहब, ऐसे में अगर आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ जो ये खबर है, मेरे जहन में सवाल है कि एक अमेरिका में बैठा जर्नलिस्ट है, वो विदाउट कोई इंटरनल रिसोर्स जो है वो इतनी बड़ी खबर ब्रेक कर देता है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है? क्योंकि ये जो टैक्स रिटर्न्स वगैरह वाले मामलात हैं ये बड़े प्राइवेट होते हैं, ये ऑफिशियली इस तरह से डिस्क्लोज़ नहीं किए जाते। तो जिस तरह से ये सामने आए, तो ये एक आदमी का काम नहीं लगता, ऐसा लगता है कि कुछ इंटरनल रिसोर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। और फिर ये कि ये इस खबर के सच्चे होने में, झूठे होने में भी बड़ी मतलब ख़तरनाक सी बात है ना कि आर्मी चीफ को टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल टारगेट किया गया। अच्छा, इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। आज तक आर्मी चीफ को टारगेट तो पीटीआई वाले कर रहे हैं, खान साहब ने टारगेट किया है, पीटीआई वाले तो खुल के कर रहे हैं। तो क्या ये पीटीआई वालों ने आर्मी चीफ को टारगेट किया है इस स्टेज पे, और क्यों किया? अगर पीटीआई वालों ने टारगेट किया है तो पीटीआई वालों को ये मसौदा जो है, ये मवाद जो है, ये किसने दिया? तो जाहिर है जो आजकल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो हेड हैं उन्होंने तो नहीं दिया होगा, मगर कल के जो हेड थे वो दे सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आज के जो हैं वो तो न्यूट्रल हुए हैं ना, मगर कल के जो थे वो तो न्यूट्रल नहीं थे। तो एक तो ये लोगों की ये बातें चल रही हैं ना ट्विटर पे चल रही हैं, नूरानी साहब को किसने दिया, कहाँ से ये आया। मगर दूसरी तरफ एक और चीज़ भी चल रही है, वो ये कि ये तो सारा डेटा जो है FBI के पास है, FBI हुकूमत के अंडर आती है। तो ये अगर हुकूमत चाहती तो ये सारा मुसवदा मवाद जो है ये FBI से ले सकती थी और लेके ये लीक कर दिया। तो दोनों तरफ से साजिश कंस्पिरेसी थ्योरी चलती है। दूसरी तरफ ये है कि दूसरी थ्योरी भी है, अब जनरल बाजवा क्या करेंगे? तो तीसरी चीज़ ये है कि ये इसमें ये जो सब कुछ छपा है, ये इसमें सच्चाई कितनी, झूठ कितना, हमें कुछ पता नहीं है। नहीं पता। ये 2021 तक का डेटा है, 2022 का डेटा नहीं है। तो 2021 में तक तो एजेंसियां जो थी, एटलीस्ट एक एजेंसी जो थी वो तो खान साहब के हामियों के पास थी, अब जाके एक न्यूट्रल्स के पास आई है। तो ये मसौदा जो है या तो हुकूमत ने इकट्ठा किया है या उस एजेंसी के उन लोगों ने इकट्ठा किया है, इकट्ठा करके रखा हुआ था फॉर द राइट टाइम, और आप जाके लीक किया है एंड टू पुट जनरल बाजवा अंडर प्रेशर। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब हकीकत क्या है ये ना मुझे पता है ना किसी और को पता है, बिकॉज ये चीज़ें बड़ी गहरी होती हैं, इसके पीछे बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सोच होती है। मगर मैं ये समझता हूँ कि अगले एक दो दिन के अंदर अंदर आपको नज़र आ जाएगा क्या होने जा रहा है। या तो समरी आ जाएगी इसके अंदर जनरल आसिफ का नाम नहीं होगा, या अगले दो दिन में आप हुकूमत से देखेंगे एक नोटिफिकेशन आता है और जनरल आसिफ को 4-स्टार जनरल बना दिया जाता है। यानी कि ये अगले दो दिन में क्लियर हो जाएगा किससे इसको फ़ायदा हो रहा है और किससे इसको नुकसान हो रहा है, और ये क्यों फैसला कौन सा हो रहा है आपको समझ आ जाएगी ठीक अगले दो तीन दिन में। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात कही वो यही थी कि अभी तक तो आई नहीं, उम्मीद है कल परसों तक आ जाएगी और जुमेरात तक कुछ फैसला हो जाएगा। तो अब वो क्या फैसला होगा, अगर जुमेरात को भी नहीं आती तो फिर क्या होगा? आज 21 तारीख है, 24-25 हो जाती है, तो फिर टाइम थोड़ा रह जाता है ना प्रमोट करने के लिए भी, फिर और भी नाजुक हालात हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी हमारी बदकिस्मती है, और क्योंकि इट डज नॉट मैटर आप किसको आर्मी चीफ लगाते हैं, ये हम कह के थक गए। ये जो ज़िद पकड़ ली है ना खान साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने, इसकी वजह से ये सारा कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है। और यहाँ कोई पर्सनल एम्बिशंस भी हैं, वो ज़माने गए, जनरल वहीद काकड़ का ज़माना या जनरल जहांगीर करामत का ज़माना या जनरल आसिफ नवाज का ज़माना, कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं सी होती, चुनते थे ठक करके वो हो जाता था। आज जो हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, ये फ़ौज के लिए भी बुरा है, पाकिस्तान के लिए भी बुरा है, सियासत के लिए भी बुरा है, और इसके नतीजे बहुत ख़तरनाक निकलेंगे आगे जाके।
ठीक है, तो सेठी साहब एक तरफ तो ये नाजुक सूरत हाल है, तो दूसरी तरफ कुछ मुजाकरात की भी बाजगश्त हम सुन रहे हैं, उस पर मैं एक बात करना चाहूँगी। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस पर, स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद सेठी साहब। बड़ी अहम मुलाकातें भी चल रही हैं, एक तरफ तो ये आर्मी चीफ की तैनाती वाला मामला लेके तमाम सियासी जमातें जो हैं वो आपस में एक दूसरे को टॉन्ट भी कर रही हैं, एग्रेसिव हो रही हैं, मुख्तलिफ तरह से बिहेव कर रही हैं, खासी नाजुक सूरत हाल है। लेकिन दूसरी तरफ मुजाकरात भी साथ साथ चल रहे हैं, ये एक अच्छी खबर है। जो आरिफ अलवी साहब की मुलाकात हुई, इसहाक डार से के साथ मुलाकात हुई, और आज इमरान खान साहब ने भी कहा कि जो PDM है वो मुजाकरात के लिए मुझसे रबते कर रही है। लेकिन अगरचे उन्होंने यहाँ पर ऐड किया कि का इंतखाबात से पहले हम ये इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल एक अच्छी कोशिश देखी गई PDM की तरफ से, एक इनिशिएटिव लिया गया और ये मुजाकरात की तरफ जो है वो पेशकश की जा रही। क्या मज़ीद देख रहे हैं आप, ये सूरतेहाल किस तरफ जा रही है ये मुजाकरात को लेकर? देखिए, मुजाकरात तो कहीं नहीं जा रहे, मैं आपको बता दूँ। इमरान खान कहता है कि इलेक्शन करवाओ फिर बैठ के देखेंगे, ये कहते हैं हमने इलेक्शन तो करवाना ही नहीं है, टाइम पर करवाना है, और कोई बात है तो बात कर लो, मुज़ाकरात कोई नहीं। ओके, ये सब ड्रामा है। एक्चुअल जो बात हो रही है वो आर्मी चीफ की बात हो रही है। जो इसहाक डार साहब गए थे ना, वो प्रेसिडेंट साहब को कहने गए थे, देखिए कानून के मुताबिक जो भी हम आपको पास कागज़ भेजते हैं साइन करने के लिए, कानून के मुताबिक आपको करना ही करना है, मगर आपके पास गुंजाइश है 10 दिन या 25 दिन, डिपेंड करता है किस किस्म का इशू है, कम अज़ कम 10 दिन उसके ऊपर आप बैठ सकते हैं और फिर हमें वापस भी भेज सकते हैं, इसको एक दफ़ा सोच लें, फिर से सोच के फिर हम भेजते हैं। तो अगर तो ये मामला जो आर्मी चीफ का आ रहा है, इस पर हमने आपको कुछ भेजा और आप बैठ गए अगर उसके ऊपर और आपने साइन ना किए फौरन, तो ये तो फिर बहुत ख़तरनाक हालात में हम मामला बहुत ख़तरनाक हो जाएंगे। एग्ज़ाम्पल, अगर ये भेजते हैं नोटिफिकेशन जनरल आसिम मुनीर की, कानूनी तौर पर भेज देते हैं, सब कुछ पहले करके 4 स्टार ये वो सब कुछ हो गया, भेज दिए और प्रेसिडेंट साहब बैठ जाते हैं और टिक 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 29 तारीख आर्मी चीफ रिटायर हो गया, नया अपॉइंट नहीं हुआ, कर प्रेसिडेंट साहब लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो सबोटाज करना चाह रहे हैं। खान साहब ने कहा नहीं करना, देखा जाएगा, अदालतों जाएँ, लड़ें झगड़ें, क्रिएट कन्फ्यूजन, क्राइसिस, ताकि फ़ौज इंटरवीन करे किसी तरीके के साथ। खान साहब समझते हैं कि फ़ौज की इंटरवेंशन हो जाए, इनकी छुट्टी कराई जाए, बाद में देखा जाएगा, जहन्नम में जाए भाड़ इकॉनमी, भाड़ में जाए IMF, भाड़ में जाए इन्फ्लेशन, भाड़ में जाइए, मैंने नहीं छोड़ना, मैंने तो करना अपना काम और डिस्टेबलाइज करके उड़ा के रख देना। तो वो मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट साहब को कहने गए थे कि अगर आपने ऐसा किया तो उसके ये नतीजे होंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्राइसिस हो जाएगी और बहुत वो क्राइसिस में कोई भी नहीं बचेगा और फिर आर्मी को इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, मार्शल लॉ लग जाएगा, आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, सारे जेल सारे उल्टे हो जाओगे ऐसी, बिकॉज आपने कोई रास्ता बंद कर दिया हूँ। बिलावल भुट्टो ने भी तो कहा ना कि अगर समरी रोकने की कोशिश की गई तो नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये असली बात वहाँ ये हो रही है, फिर वहाँ से बयान भी आ रहा है प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं मैंने नहीं रोकना किसी चीज़ को, मैं तो अपना काम करूँगा जो मैंने करना है, मैं नहीं रोकूँगा, मैं जो भी आएगा फ़ौरन कर दूँगा। मगर देखिए यहाँ तो हम यही इसी किस्म पे तो झूठ सुनते आ रहे हैं, तो इसलिए उसमें इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं, नेगोशिएशन और कुछ नहीं हो रही, धमकियाँ दी जा रही हैं, समझाने की कोशिश की जा रही है और सब अपने अपने पोजीशंस लेके मोर्चे लेके बैठे हुए हैं कि खान साहब ऑलरेडी लगे हुए हैं कि जी डिफ़ॉल्ट 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 डिफ़ॉल्ट, इसहाक डार अभी तक लगे हुए हैं कि जी ये जो खान साहब लगे हुए हैं डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट, इसके साथ तो डिफ़ॉल्ट हो ही जाएगा और हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं और खान साहब छोड़ के गए थे डिफ़ॉल्ट में, अब फिर इतनी डिस्टेबलाइजेशन कर दी है कि सब पैसे रुके हुए हैं, इंतज़ार हो रहा है कि यहाँ आर्मी चीफ का मामला सही तरीके से तय हो जाए, आइन के मुताबिक हो और खान साहब पार्लियामेंट में आए और हमारे साथ बात करें, फिर हम इलेक्शन की बात उस वक्त करेंगे, बाहर बैठ के इस वक्त धमकियों के अंदर तो कोई नहीं करेगा। तो ये इसलिए जो अगले 4-5-6 दिन हैं दे वेरी ट्रिकी। मैं पहले दिन कह रहा था, अभी मैंने इदारिया लिखा है जिसका अंग्रेज़ी में तर्जमा यही इम्प्लोजन। इस वक्त मुझे याद है कि जब रोम जल रहा था तो उस वक्त का जो एम्परर था नीरो, वो चैन की बांसुरी बजा रहा था, वो गिर रहा था, आग लगी हुई थी, सब कुछ तबाही हो रही थी, केओस हो रहा था और वो जनाब लगा हुआ था। ठीक, हमारे बहादुर शाह जफर साहब जब मुग़ल एम्पायर क्रम्बल कर रहा था सारे हिंदुस्तान में,
तो वो नज़में लिख रहे थे। इस्लामाबाद में क्या और होगा और पिंडी में क्या और होगा, मुझे इस चीज़ का बड़ा फिक्र है। सही, मुल्क वाकईतन एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। बहुत शुक्रिया सेठी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासर।